हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। एसक्यूएल ट्यूटोरियल्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिलेक्ट स्टेटमेंट। सिलेक्ट स्टेटमेंट सबसे बेसिक कमांड है जो आप एसक्यूएल के अंदर पढ़ेंगे। सिलेक्ट कमांड यूज़ होती है टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम द डाटाबेस, और इट इज़ यूज टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम डाटाबेस। सिलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट डाटा फ्रॉम द डाटाबेस एंड द रिजल्ट ऑफ द सिलेक्ट स्टेटमेंट इज स्टोर्ड इन ए सिलेक्ट रिजल्ट टेबल विच इज नोन एज रिजल्ट सेट। सो वी विल सी डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ यूजिंग सिलेक्ट स्टेटमेंट इन द लेक्चर। उससे पहले हम देखते हैं कि एक सिलेक्ट स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है। टू सिलेक्ट कॉलम्स यू हैव टू राइट लाइक दिस, सिलेक्ट देन कॉलम नेम। सपोज कॉलम वन, कॉलम टू एंड अप टू एन कॉलम्स विच आर इन योर टेबल फ्रॉम टेबल नेम। तो ये एक सिंटेक्स है, एक बेसिक सिंटेक्स है एसक्यूएल की सिलेक्ट स्टेटमेंट का। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक टेबल है मेरे पास एम्प्लॉय, और इस टेबल में दो कॉलम्स हैं ई नेम एंड ई आईडी, और मुझे इन दो कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा इसमें क्यूरी? सिलेक्ट कॉलम नेम इज ई नेम, तो लिखिए ई नेम कॉमा कॉलम टू इज ई आई डी, तो लिखिए यहाँ पे ई आई डी फ्रॉम टेबल नेम की जब आ जाएगा ई एम पी। तो आपको क्या लिखना है, सिलेक्ट कॉलम नेम ई नेम है जो कॉमा ई आई डी फ्रॉम टेबल नेम एम्प्लॉय। तो इससे जितना भी डाटा इस टेबल में है वो शो हो जाएगा। ये सिंटेक्स है सिलेक्ट का, जिसमें आप कॉलम्स को अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अगर हमने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम किया तो इसका मतलब है, स्टार का मतलब होता है ऑल द कॉलम्स। इसी क्यूरी को मैं ऐसे भी लिख सकता था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ई एम पी, तो उसमें भी दो कॉलम आते हैं ई नेम और ई आई डी। अगर मुझे सिर्फ ई नेम चाहिए, ई आई डी नहीं चाहिए, तो मैं स्टार का यूज नहीं कर सकता। उसके कैसे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट ई नेम फ्रॉम ई एम पी, उससे सिर्फ ई नेम कॉलम आपको मिलेगा। नाउ लेट्स सॉल्व सम सैंपल क्वेरीज। उसके लिए एक डेमो डाटाबेस मैंने लिया है यहाँ पे, जो आपको दिख रहा है। डाटाबेस का नाम हमने रखा है स्टूडेंट, और उसमें कुछ एंट्रीज हमने करके रखी हैं इसमें पहले से ही। सो स्टूडेंट टेबल है, टेबल नेम इज स्टूडेंट, ये कॉलम्स हैं आईडी नेम कॉन्टैक्ट ब्रांच सिटी एंड कंट्री, दीज आर द कॉलम्स। इनको मैं इस रंग से हाईलाइट कर देता हूँ। सो दीज आर द कॉलम्स। आइए लिखते हैं कुछ सैम्पल क्यूरीज को, देखते हैं एसक्यूएल में कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली क्यूरी है सिलेक्ट स्टूडेंट नेम एंड सिटी फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। बहुत सिंपल है, मुझे दो कॉलम्स की वैल्यू चाहिए, स्टूडेंट नेम और सिटी की, टेबल है स्टूडेंट, तो इसमें हम लिखेंगे सिलेक्ट नेम कॉमा सिटी फ्रॉम टेबल नेम इज स्टूडेंट। तो इससे आपको क्या आउटपुट आएगा,
स्टूडेंट का नेम जो है ऐसे अमित जॉन मोहित एंड सोन एंड उनकी सिटी, तो कुछ ऐसे आउटपुट आपको दिखेगा इसमें। आगे हम इसको ओरेकल 11G पे रन करके भी देखेंगे इसी लेक्चर में। सो एंड में आप जरूर देखिएगा इस लेक्चर में कैसे रन करते हैं ओरेकल के ऊपर इस क्यूरी को। तो आपको आउटपुट कुछ ऐसा दिखेगा इसमें, अमित डेली एंड सोन, जितना आपके पास डेटा है। सेकेंड क्यूरी से सिलेक्ट ऑल द कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट टेबल। इसमें आपको सिंपल लिखेंगे सिलेक्ट, अगर सारे कॉलम्स मुझे निकालने हैं जैसे इसमें, तो मैं यूज़ करूँगा स्टार फ्रॉम टेबल नेम है स्टूडेंट। तो इसमें जितने भी कॉलम्स और जितना भी डाटा है वो सब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्यूरी सिलेक्ट ब्रांचेस फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ओनली डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस टू बी सिलेक्टेड। नाउ दिस इज समथिंग न्यू विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट। अब इस डाटाबेस में मुझे ब्रांचेस फाइंड आउट करनी है और सिर्फ डिस्टिंक्ट ब्रांचेस फाइंड आउट करनी है। जैसे कि कितनी डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेस हैं इसमें हमारे पास, एक ब्रांच है CSE, एक ब्रांच है IT और एक ब्रांच है EC। सो मेरा आउटपुट आना चाहिए CSE, IT एंड EC। अब देखिए, अगर मैं लिखता इसमें सिलेक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट, सो इसका आउटपुट आता CSE, जितने भी ब्रांच कॉलम की वैल्यूज हैं सारी वैल्यूज यहाँ पे शो कर देता। बट दिस इज नॉट द डिजायर्ड आउटपुट फॉर दिस क्वेरी। हमें सिर्फ डिस्टिंक्ट ब्रांचेस पता करनी है, इसमें डुप्लीकेसी ऑफ रिकॉर्ड्स हो रहा है। सो ओरेकल में डुप्लीकेसी को रिमूव करने के लिए एक कमांड है, एक कीवर्ड है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस राइट लाइक सिलेक्ट डिस्टिंक्ट ब्रांच फ्रॉम स्टूडेंट। अब जैसे ही आप डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, उससे आपको सिर्फ आउटपुट क्या मिलेगा, अब CSE, IT एंड EC। नाउ लेट सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉलोइंग क्यूरीज इन ओरेकल 11G डाटाबेस। बिगिन विद द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट ऑफ SQL ट्यूटोरियल इन ओरेकल डाटाबेस 11G। सो उसके लिए मैंने स्टूडेंट की टेबल इस डाटाबेस में बना के रखी है। उसका आपको अगर डिस्क्रिप्शन किसी भी टेबल का देखना है तो आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्क्राइब कमांड, डिस्क्राइब और टेबल का नेम, जैसे मैंने स्टूडेंट के लिए बनाया था। तो इसमें कॉलम्स है ID, नेम, ब्रांच, सिटी, कंट्री एंड कॉन्टैक्ट। डाटा भी एंटर किया है मैंने फॉर डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस। डाटा देखने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं कि डाटा थोड़ा अभी ये सही फॉर्मेटिंग में नहीं आ रहा है, तो इसको सही फॉर्मेट में करने के लिए आप सेट लाइन साइज यूज़ कर सकते हैं। सेट लाइन साइज मैंने 150 कर दिया है जैसे, अब ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। इसको आप दोबारा से अपने हिसाब से और ज़्यादा सेट लाइन साइज को चेंज कर सकते हैं। जो सेटिंग आपके सिस्टम में सही आएगी आप उसको यूज़ कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सिलेक्ट कमांड का सिंटेक्स होता है सिलेक्ट, अगर सारे कॉलम्स मुझे देखने तो स्टार फ्रॉम टेबल नेम जो है स्टूडेंट इस केस में, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है, कॉन्टैक्ट, ब्रांच, सिटी एंड कंट्री, सारी रोज डिस्प्ले हो रही है इसमें। अब अगर मुझे कुछ से स्पेसिफाइड कॉलम को सिलेक्ट करना है तो हम कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट सपोज नेम कॉलम करा नेम कॉमा सिटी कॉलम फ्रॉम स्टूडेंट। तो अब देखिए सिर्फ नेम और सिटी कॉलम जो है वो आपको रिजल्ट के अंदर दिखेगा। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कमांड को यूज कर सकते हैं अपने ओरेकल डाटाबेस के अंदर
टू फाइंड डिफरेंट रिजल्ट्स। इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स को रिट्रीव करके देखने की। जैसे आपने थ्योरी क्लास में देखा था, अगर मुझे सिर्फ सिटीज़ फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट टेबल में से कि कितनी सिटीज़ से स्टूडेंट पढ़ने आते हैं, तो उसके लिए हम एक कमांड लिख सकते हैं सिलेक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। बट इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दिल्ली एक बार दो बार रिपीट हो रहा है, न्यूयॉर्क भी रिपीट हो रहा है, सिमिलरली चेन्नई भी रिपीट हो रहा है। अगर सिर्फ मुझे डिस्टिंक्ट वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो उसको लिखते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम स्टूडेंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल वैल्यूज आ रही हैं हर सिटी के लिए, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क एंड चेन्नई। सो इन दिस वे यू कैन यूज सिलेक्ट कमांड टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम डाटाबेस टेबल्स इन ओरेकल 11g। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन SQL एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स। थैंक यू।